नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। 47 साल पहले 25 जून के ही दिन देश पर आपातकाल थोप दिया गया था। देश में आपातकाल लगाने जैसे हालात नहीं थे, लेकिन अपनी कुर्सी को बचाने के लिए इंदिरा गांधी ने देश को आपातकाल की आग में झोंक दिया। उस वक्त जेपी आंदोलन अपने चरम पर था और इंदिरा गांधी के खिलाफ चुनाव में धांधली का आरोप था। इस आरोप की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही थी। आपातकाल लगाने का एकमात्र कारण था किसी भी तरह कुर्सी बचाना, लेकिन अब आपातकाल की चर्चा में आने का कारण है यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान। आपातकाल को लेकर क्या कहा ब्रजेश पाठक ने, देखिए इस खास रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि सत्ता के लालच में एक परिवार ने देश पर आपातकाल थोपा था। भाजपा के प्रदेश मुख्यालय पर लोकतंत्र के काले अध्याय आपातकाल विषयक संगोष्ठी में आपातकाल के विरोध में आवाज उठाने वाले लोकतंत्र रक्षक सेनानियों को सम्मानित करने के बाद समारोह को संबोधित करते हुए डिप्टी सीएम ने कहा कि सत्ता के लालच में एक परिवार ने देश पर आपातकाल थोपा था। बता दें कि आज ही के दिन 47 साल पहले कांग्रेस ने इमरजेंसी लगाई थी। इमरजेंसी देश के प्रजातंत्र पर किया गया सबसे बड़ा और कायराना हमला था। कांग्रेस पार्टी में हमेशा से गांधी परिवार के हितों को पार्टी और देश हित से ऊपर रखा गया और देश में आपातकाल लागू करना भी इसी नीति का हिस्सा रहा। यह अलोकतांत्रिक निर्णय जो आपातकाल के रूप में जबरन देश पर थोपा गया, भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में काले अध्याय के रूप में दर्ज है। इस अनैतिक और दमनात्मक कृत्य के लिए देश की जनता कांग्रेस को कभी माफ नहीं करेगी। आपातकाल के दौरान लोगों से अंग्रेजी शासन से भी बुरा व्यवहार किया गया। इस निर्णय का विरोध करने वालों को कड़ी यातनाएं दी गईं। अकारण ही लाखों लोगों को जेल में ठूस दिया गया और अदालतों और प्रेस पर भी सेंसरशिप लगा दी गई। वरिष्ठ भाजपा नेता ने कहा कि इसके बावजूद लाखों लोकतांत्रिक सेनानियों ने यातनाओं को सहते हुए इस अनैतिक निर्णय का न सिर्फ विरोध किया बल्कि तानाशाह सरकार को सबक भी सिखाया। उन्होंने आपातकाल के खिलाफ संघर्ष करने वाले लोकतांत्रिक सेनानियों को नमन करते हुए कहा कि लोकतांत्रिक मूल्यों की पुनर्स्थापना में लोकतांत्रिक सेनानियों का बड़ा योगदान है। इस मौके पर बड़ी संख्या में लोकतांत्रिक सेनानी और भाजपा पदाधिकारी भी मौजूद थे। कांग्रेस हमेशा आपातकाल पर बोलने से बचती आई है। ये सच है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद भी इंदिरा ने अपना पद नहीं छोड़ा था। राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने आपातकाल के आदेश पर हस्ताक्षर किए थे। इसका नतीजा ये हुआ कि देश के लोकतंत्र पर सबसे बदनुमा दाग आपातकाल के रूप में लगा। अगले 21 महीने नागरिक अधिकार छीन लिए गए, सत्ता के खिलाफ बोलना अपराध हो गया, विरोधी जेलों में ठूस दिए गए। हालांकि इंदिरा का कहना था कि ये सब विपक्ष के उकसावे का नतीजा था। ऐसी खबरें हम आपके लिए लाते रहेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।